हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। जैसे जिसको हम अमृतसरी भुर्जी बोलते हैं वो बनाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कम सामान में। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें घी नहीं यूज़ किया जाता। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, आप अपनी जितनी आपने बनानी है उसी हिसाब से डालिएगा। अदरक और लहसुन कटा हुआ डाला है, क्योंकि घी जम जाता है और उसका जो टेस्ट है वो भुर्जी से अच्छा नहीं आता। और अब ये भुन चुके हैं, अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज। प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में डलते हैं, तभी जो हमारी भुर्जी है वो अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। अब इनको भी हम ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हो कि बिल्कुल बारीक कटे हैं, लंबे लंबे नहीं कट किए मैंने। और अब मैं डालूंगी टमाटर और हरी मिर्ची कटी हुई, अब इसको भी हम भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और झटपट बन जाती है। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप इसको झटपट बना सकते हो, क्योंकि पनीर की भुर्जी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब आप अमृतसरी तरीके से पनीर की भुर्जी बनाते हो तो इसमें सिर्फ दूध का पनीर ही यूज़ करना है, सोयाबीन का पनीर यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। दूध वाले पनीर का ही जो टेस्ट है वो पनीर की भुर्जी से अच्छा आता है। आप घर पर भी बना सकते हो। अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, पहले भी डाला था। हल्दी डाल दी है, लाल मिर्ची डालूंगी, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अगर आप तीखा खाते हो, कलर के लिए डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लो फ्लेम पर भूनिएगा ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं वो जले ना। बस इसको ऐसे हिलाते जाना है और उसको भूनते जाना है। थोड़ा सा मैं ढककर भून लूँगी ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं वो जल्दी गल जाएं। आप देख सकते हो कि भून चुके हैं हमारे जो मसाले हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कच्चा दूध, क्योंकि दूध से ही जो हमारी पनीर की भुर्जी है उसका टेस्ट ढाबा जैसा आएगा, क्योंकि ढाबों पर दूध ही डालते हैं पनीर की भुर्जी में, बाद में पनीर डाला जाता है। अगर आप डायरेक्टली इसमें पनीर डालोगे तो उसका जो टेस्ट है वो ऐसा नहीं आएगा जैसा ढाबे पर हमें पनीर की भुर्जी मिलती है। अब मैं डालूंगी यहाँ पर एक कटोरी दूध वाला पनीर, ये हमने बाज़ार से लिया था, आप घर पर भी बना सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा दूध है तो। अब इसको हिला देना है, अच्छी तरह से मिला देना है। बस 5-6 मिनट इसको और पकाना है और हमारी जो पनीर की भुर्जी है वो बन के रेडी हो जाती है। ये झटपटी बन जाती है, क्योंकि ढाबे पर हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं वो तभी बनाते हैं, पहले बना के नहीं रखते। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि ये अब हमने दूध डाल लिया है तो ये नीचे भी नहीं लगेगी। मैंने हाई फ्लेम ही रखी हुई है ताकि हमारा जो दूध है वो भी पक जाए। आप देख सकते हो कि पूरा ऑयल जो है वो बाहर निकल आया है। जब आपकी सब्जी कोई भी हो ऑयल छोड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पक चुकी है, तब भी वो ऑयल छोड़ती है। इसको ऑयल छोड़ने तक ही हमें पकाना है। हमारी जो पनीर की भुर्जी है वो बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्व कर दूँगी, आप इसको रोटी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हो, बच्चों के लिए बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। आप स्कूल टिफ़िन में भी इसको डाल सकते हो, आप खुद के टिफ़िन में भी इसको डाल सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो आपको।